चलो देखो कैसे करेंगे इसको, है ना। अगर हमको बोर मॉडल अप्लाई करना हो टू अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू मूविंग इन अ प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बी, लेट से अ क्वेश्चन एक्चुअली देना चाहिए था कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं वेलोसिटी वी से, याद है, तो सर्कुलर मोशन करता है, याद है कि नहीं है। हाँ सर, बोलो, हाँ एक सर, चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्यू है, इसको वेलोसिटी वी दिया, तो ये सर्कुलर मोशन करता है ना, याद है। तो इसका हमको, अगर इसके सर्कुलर मोशन को अगर हमको ये निकालना पड़े, क्या बोर मॉडल लगाना पड़े, लेट से इसका रेडियस है आर, तो हमको बोला है कि अब इसकी एनर्जी क्या होगी nth लेवल में, तो इसको ऐसे लिखे एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। बोलो, बोर मॉडल यही कहता है ना। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है, हमको याद है, तुमको याद होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड से आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू भी होता है। बोलो, तो यहां पे आर को डाल दें, सब्सटीट्यूट करें, तो एम वी इंटू आर की वैल्यू क्या हो गई, एम वी बाई क्यू बी इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। यहां से उठाओगे, इस वाले इक्वेशन से उठाओगे तो एम वी स्क्वायर कितना मिल रहा था, वो तो एम वी स्क्वायर को छोड़ दो उधर लेफ्ट साइड में, बाकी सबको राइट साइड में ले आता है, एन एच बाई टू पाई, क्यू भी ऊपर चला गया है ना, और नीचे एक एम और आ गया, ठीक है, तो इसका आधा, तो एन एच क्यू बी बाई फोर पाई एम आ जाएगा अपने पास, है कि नहीं, एम वी स्क्वायर का आधा है ना ये, एन एच क्यू बी बाई फोर पाई एम। पोटेंशियल एनर्जी यहां पे है नहीं, ठीक है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, न्यूक्लियस व्यूक्लियस नहीं है ना, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सब तो है नहीं ना, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो ये हमारा आंसर हो गया सी। सॉरी, लल्लू है।